हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बादल को घिरते देखा है कविता नागार्जुन ने की रचना नागार्जुन ने सन 1938 ईस्वी में की थी। दोस्तों, ये कविता उनके काव्य संग्रह युगधारा में संकलित है। कवि ने इस कविता के माध्यम से हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि हिमालय पर्वत में रहने वाले लोगों के विषय में कहते हैं कि जो यहाँ के लोग हैं वो हमेशा सुंदर दिखते हैं, हमेशा संवर कर रहते हैं और साथ ही साथ यहाँ की औरतें बालों में लाल कमल के फूल लगाए फिरती हैं। उन्होंने इस कविता के द्वारा हिमालय की चोटियों की सुंदरता का बड़ा ही जीवंत वर्णन किया है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम कवि नागार्जुन द्वारा रचित बादल को घिरते देखा है कविता के तीन काव्यांशों की व्याख्या पर चर्चा करेंगे। चलिए, पहला काव्यांश मैं पढ़ती हूँ अपना, अमल धवल गिरी के शिखरों पर। बादल को घिरते देखा है छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को, मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों को गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है तुंग हिमालय के कंधों पर, छोटी बड़ी कई झीलें हैं उनके श्यामल नील सलिल में, समतल देश में आ आकर पावस की उमस से आकुल तिक मधुर विषय तंतु खोजते, हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो दोस्तों, अभी हमने जो ये काव्यांश पढ़ा, यह नागार्जुन के काव्य संग्रह युगधारा में बादल को घिरते देखा है कविता से संकलित है और कवि इसमें बादल व प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों का चित्रण तो करते ही हैं, साथ ही साथ वो हिमालय की चोटियों व प्राकृतिक सौंदर्य की सूक्ष्म अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी इस कविता के माध्यम से करते हैं। दोस्तों, अभी इसमें हमारा पहला शब्द आया था अमल, इसका अर्थ है बिना मैल का, यानी कि स्वच्छ उज्ज्वल, और धवल का अर्थ होता है सफ़ेद, तुहिन का अर्थ है ओस, जो रात को ओस जम जाती है उसे कहते हैं, और स्वर्णिम यानी कि सोने के रंग का, श्यामल नील इसका अर्थ होता है सांवला या नील, सांवला नीला सलिल पानी, और दोस्तों तिक्त का अर्थ है कड़वा या अरुचिकर, जो अच्छा नहीं लगता, विष तंतु होते हैं विषैले कसैले कीड़े मकौड़े। चलिए दोस्तों, अब हम इसकी व्याख्या को जानते हैं कि इसमें कवि कैसे हिमालय की चोटियों की सुंदरता का वर्णन करते हैं। कवि कहते हैं कि मैंने अपनी आँखों से स्वच्छ उज्ज्वल हिमालय के शिखरों पर बादलों को घिरते देखा है। किस तरह चोटियाँ बर्फ़ की सफ़ेद चादर से ढकी रहती हैं, हिमालय की जो चोटियाँ होती हैं वो हमेशा बादलों से घिरी रहती हैं, बर्फ़ से घिरी रहती हैं, और उन पे जो आते जाते बादल हैं वो बहुत ही सुंदर लगते हैं, उन्हें देखने वाले एक पल भी अपनी पलक नहीं झपका पाते, वो इतने सुंदर होते हैं। हिमालय की जो चोटियाँ हैं वो धूप के कारण बिल्कुल सफ़ेद उज्ज्वल नज़र आ रही हैं, बर्फ़ के कारण वे बहुत सुंदर दिखती हैं। इतना ही नहीं, जो ओस की बूंदें कवि को जो उसकी बूंदें हैं वो छोटे छोटे मोतियों के समान लगती हैं, और जब ये छोटी छोटी ओस की बूंदें कमल के पत्तों पर गिरती हैं तो जो कमल के फूल का सौंदर्य है वो बहुत ही मनमोहक प्रतीत होता है, और कवि ने इन सभी दृश्यों का जी भर के आनंद लिया, और फिर उन्होंने जो भी आनंद लिया उस आनंद को अपनी इस कविता के माध्यम से हम तक पहुंचाया, हम पाठकों तक पहुंचाया। ऊंचे हिमालय रूपी कंधों पर, यानी कि हिमालय से कई झीलें बहती हैं, उन झीलों व तालाबों में बहुत ठंडक होती है जिससे श्यामल नील सलील में उसके खूबसूरत जलाशयों में दूर देश में जो चकवा चकवी हैं या हंस हैं खेलते हुए, वो हंस गर्मी से परेशान होकर इन झीलों में आते हैं और यहाँ पर खेलते हैं, प्रणय करते हैं। कवि उन सबको देखते हैं, वो देखते हैं कि किस तरह से वो झील में तैरते हुए मीठे कसैले विष तंतु अपने लिए खोज रहे हैं, और इन्हीं क्षणों में कवि ने हिमालय की चोटियों पर बादलों को घिरते देखा है। चलिए दोस्तों, अब इसके काव्य सौंदर्य को जानते हैं। इसमें हिमालय के प्रतीकात्मक रूप का चित्रण किया है और बादलों को का मानवीकरण किया, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है।
छोटे छोटे में पुनरुक्ति और आ आ करो श्यामल नील सलिल में कवि ने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया। जो भाषा है वो सरल देशज है, तत्सम शब्दों का प्रयोग है, माधुर्य गुण है, साथ ही साथ शब्द बिंब का भी कवि ने प्रयोग किया है। चलिए दोस्तों अब हम इसका दूसरा काव्यांश पढ़ते हैं। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बहरा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बलगल स्वर्णिम शिखर था, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको रात सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो दोस्तों इसमें जो आप संदर्भ है वो जो आपने हमने पहले काव्यांश के साथ लिखा उसी को आपने इसमें भी लिखना है। प्रसंग बता देती हूँ, इस काव्यांश में कवि ने बसंत ऋतु की मादकता, चकवा चकवी का मिलन और कस्तूरी मृग की व्याकुलता का स्वाभाविक वर्णन किया है। दोस्तों बालारुण का अर्थ होता है प्रभात की पहली किरणें, और विरहित यानी कि अलग अलग जो परित्यक्त होते हैं उनको कहते हैं। चलिए अब जानते हैं इसकी व्याख्या को। इसमें कवि कह रहे हैं कि वसंत ऋतु का सूर्योदय काल है, यानी कि वसंत का समय है, सूर्य उग रहा है, वायु धीरे धीरे बह रही है, उगते हुए सूर्य की पहली मृदु किरणों की लाली जब शिखर पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि वो स्वर्ण कलश हो और आसपास के शिखर भी बिल्कुल सोने जैसे प्रतीत हो रहे हैं। सुबह के समय ऐसा मनमोहक वातावरण में, रात्रि में विरह के अभिशाप में व्याकुल चकवा चकवी, यानी कि जो रात्रि में चकवा चकवी अलग रहते हैं फिर वो अलग होकर मतलब क्रंदन करते रहते हैं, वो भी उनका भी अब इस टाइम क्रंदन शांत हो गया है और वे मानसरोवर झील के किनारे बिछी हुई शैवाल की हरी चादर पर यानी कि घास पर प्रणय क्रीड़ा कर रहे हैं। अर्थात रात्रि के वियोग के पश्चात पुनर्मिलन जब उनका हुआ है तो उस समय चकवा चकवी अपना खुशी खुशी समय बिता रहे हैं। इस प्रकार कवि कह रहे हैं कि कवि ने प्रेम की अभिव्यक्ति को अपनी आंखों से देखा है, साथ ही साथ कवि उन प्रेमी युगलों के मध्य प्रणय कलह के दोनों ही दृश्यों को देखते हैं। कवि कहते हैं कि उन्होंने प्रेम रूपी बादल को घिरते देखा, यानी कि चकवा चकवी का जब वो प्रेम देखते हैं, मिलन देखते हैं, प्रणय क्रीड़ा करते हुए देखते हैं, उसी समय जब बादल घिरते हैं उन सबको कवि बड़े ही सुंदर दृश्य को कवि अपनी आंखों से देखते हैं। चलिए दोस्तों इसका काव्य सौंदर्य जान लेते हैं। मन मन में विप्सा अलंकार, अगल बगल में पुनरुक्ति अलंकार और हरी दरी जो है वो दृश्य योजना है, प्रकृति का प्रतीकात्मक दृश्य योजना इसमें है। शब्द बिंब का प्रयोग, माधुर्य गुण और मानवीकरण अलंकार है। तत्सम शब्दावली प्रधान है और जो भाषा है वो सरल सहज और देशज है। चलिए आज का अंतिम और कविता का तीसरा काव्यांश हम पढ़ते हैं। अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्माद, सॉरी दोस्तों, दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्माद परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। दोस्तों दुर्गम का अर्थ होता है जहाँ पहुँचना कठिन हो, शत सहस्त्र यानी कि हजारों सैकड़ों साल पुराने, अलख जो दिखाई नहीं देता और उन्माद होता है मस्त कर देने वाली, परिमल है सुगंध या खुशबू और धावित है तेज दौड़ना। चलिए दोस्तों इसमें जो संदर्भ और प्रसंग है वो आपको जो हमने पिछला लिखा है उसी हिसाब से लिखना है। चलिए इसकी व्याख्या जान लेते हैं। कवि कहते हैं कि सैकड़ों हजारों फीट की ऊंचाई पर हिमालय की ऐसी घाटी जो हमेशा दुर्गम बर्फ से ढकी रहती है, उसमें कवि सरल स्वभाव वाले तरुण कस्तूरी मृग अपनी नाभि नहीं देख पा रहे हैं और कस्तूरी मृग की नाभि से बहुत ही अच्छी खुशबू सुगंध फैली रहती है। अब वो देख तो पा नहीं रहे, वो सुगंध को महसूस कर रहे हैं तो उस सुगंध के पीछे पीछे वो दौड़ लगा रहे हैं और अपने आप एक तरह से आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। यानी कि कवि कहना चाहते हैं कि दुर्गम बर्फीली चोटी पर उन्होंने युवा मृग को मौजूद देखा है जो दिव्य सुगंध की, जो उनकी खुद की नाभि से निकल रही है, उसकी खोज में इधर उधर भागता फिरता रहता है।
यानी कि कहने का तात्पर्य है कि कई बार अपना सौंदर्य, अपनी ही मस्ती, अपनी ही मादकता स्वयं के लिए प्रश्नात्मक चिन्ह बन जाती है, पता ही नहीं चलता। जैसे कस्तूरी मेरे को पता नहीं कि वो जो दिव्य सुगंध है वो स्वयं उसके शरीर से आ रही है, वो तो उसकी तरफ भाग रहा है, और जब वो उसे नहीं समझ आ रहा तो वो अपने पर एकदम चिढ़ सा जाता है। कभी कहते हैं कि इस तरह मैंने जीवन रूपी आकाश पर मुग्धता के अनजाने बादलों को घिर घिर आते अनुभव किया है, अपनी आंखों से देखा है। काव्य सौंदर्य जान लेते हैं दोस्तों, दृश्य बिंब यथार्थ बिंब से पृथक जान पड़ता है। वसंत ऋतु की मादकता व कस्तूरी मृगों के स्वभाव का स्वाभाविक वर्णन किया है, साथ ही कस्तूरी सुगंध की जो खोज कर रहे हैं हिरण, उसकी खोज का देखा आंखों देखा हाल यहाँ पे वर्णित है। वर्णनात्मक शैली माधुर्य गुण है, तत्सम शब्दावली है, भाषा सहज सरल और देशज है, कोमल कांत पदावली का कवि ने यहाँ पर प्रयोग किया है। तो दोस्तों ये हमने बादल को घिरते देखा है, कविता की काव्यांशों की व्याख्या पर चर्चा की। अगले अध्याय में हम इसके बाकी बचे काव्यांशों की व्याख्या पर चर्चा करेंगे, पर दोस्तों उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।